हाई एवरी वन, वेलकम और वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ हैश टैग सवाल कॉर्नर। आई रियली होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्यूटली ग्रेट। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू दिस वीडियो और आई होप कि आप सभी का फेस्टिव सीजन अच्छा रहा हो, स्पेंडिंग टाइम विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। आई एम बैक टू द वर्क नाउ। इट्स बिन अ ग्रेट वीक सो फार एंड काफ़ी सारे लाइट बल्ब मूवमेंट्स हुए हैं इस वीक में मेरे लिए। ओ बाय द वे, यू नो व्हाट, वी हैव डन मोर देन 100 सवाल कॉर्नर एपिसोड्स विच आई जस्ट रियलाइज्ड, विच इज़ अमेजिंग। एंड लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चंस वी हैव बिकॉज आई एम जस्ट टॉकिंग रैंडम थिंग्स। लेट्स गेट इन टू द क्वेश्चंस। आयुष शुक्ला, हाय आयुष, विल यू मेक गिटार ट्यूटोरियल्स इन फ्यूचर? इफ येस प्लीज रिप्लाई, लव योर वीडियोस, थैंक यू सो मच। आई डोंट नो, द आंसर इज आई रियली डोंट नो बिकॉज उकुलेले इज व्हाट आई एम एंजॉयिंग करेंटली। तो एज फार एज आई एम एंजॉयिंग उकुलेले, आई एम गोइंग टू डू इट। गिटार का थॉट अब तक माइंड में नहीं है, बट यू नेवर नो। अनन्या भरद्वाज, हाय अनन्या, आई वॉन्ट टू बाय माई फर्स्ट उकुलेले एंड माई मेन ऑब्जेक्टिव इज टू सिंग अलॉन्ग विद द इंस्ट्रूमेंट। कैन आई गो फॉर द कॉन्सर्ट साइज उकुलेले? येस ऑफकोर्स यू कैन गो फॉर द कॉन्सर्ट साइज उकुलेले। इफ यू नीड एनी हेल्प, आई हैव ऑलरेडी मेड बाइंग गाइड। यू कैन फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन वेर यू कैन बाय द कॉन्सर्ट साइज उकुलेले फ्रॉम और एनी अदर उकुलेले अकॉर्डिंग टू योर बजट और विच एवर यू लाइक। काफ़ी सारी चीज़ें आपको चैनल पर ही मिल जाएगी if you just go through the playlist, so that will really help you to get started, choose your ukulele and everything. Sheetal Rathod, hi Sheetal, hi Sailidi, hope you are doing well, love your videos and love the way you teach us, thank you so much. I am doing well, I really hope you are doing too. I am a complete beginner and I have some questions. How many times or within how much time do I need to tune my ukulele? There is no particular number for this. As long as you need to tune your ukulele, you have to tune your ukulele. Ukulele out of tune gaya ki tune kar lo. To aise kuch particular number nahi hai, but it's just the generalized answer to this. My hands sweat a lot and I'm not able to strum properly with my finger. But I'm comfortable with a plectrum, so is that okay? And lastly, thank you for teaching us so nicely. You're a well-wisher and you're a student. You are so sweet. By the way, if your hands are sweating a lot, you can use some powder, rub it on your hands, so sweat chala jayega. Or you can keep a cloth with you to wipe out the sweat you have. Plectrum use kar sakte ho, but I don't recommend. Plectrum se awaaz jo hai wo bahut alag aata hai and there are high chances that the strings can get damaged. And ukulele traditionally, it's the way, like there are various factors into it कि आपको कैसा साउंड चाहिए, बट उकुलेले अगर आप देखोगे तो हाथ से ही प्ले किया जाता है। सिंस इट हैज़ नाइलॉन स्ट्रिंग्स, आई डोंट थिंक सो प्लेक्ट्रम यूज़ करने की ज़रूरत है। एंड प्लीज़ डोंट कंपेयर इट विद गिटार, इट्स अ डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट, द वे ऑफ प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट इज़ डिफरेंट, सो दैट्स माई टू सेंस। And these are all the questions we have for this week. Thank you so much. Agar aapke kuch questions rahege, put them down in the comment section using hashtag Sawal Corner. And I'll see you guys in the next one. Until then, love and positive vibes. Bye.